हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। आपने स्टार्टिंग में स्टेटस वीडियो देख ही लिया। इस टाइप के वायरल रील लिरिक्स वीडियो एडिट करना चाहते हो तो इस वीडियो को शुरू से एंड तक देखना। आपको सबसे इजी तरीके से वीडियो एडिट करना सिखा दूंगा। अलाइट मोशन ऐप को ओपन करते हैं। जैसे ही ऐप को ओपन करते हैं इस टाइप का इंटरफेस देखने को मिलता है। प्लस पर टैप करना है। आप यहां से वीडियो रेशो सेलेक्ट कर सकते हैं। इस पर टैप करना है। कलर पर टैप करना है। ब्लैक कलर सेलेक्ट करना है। क्रिएट प्रोजेक्ट पर टैप करना है। वीडियो फॉर्मेट से सॉन्ग यूज़ करने के लिए प्लस पर टैप करना है। मीडियम में टैप करना है। आपको यहां से वीडियो को सेलेक्ट करना है जिस वीडियो का सॉन्ग यूज़ करना चाहते हैं। वीडियो लेयर पर टैप करना है। थ्री डॉट पर टैप करना है। ऑडियो पर टैप करना है। वीडियो को डिलीट कर देना है। प्लस पर टैप करना है। मीडियम में टैप करना है। आपको यहां से फ़ोटो को सेलेक्ट करना है जिस पर वीडियो एडिट करना चाहते हैं। इस टाइप की फ़ोटो आपको पिंटरेस्ट ऐप पे मिल जाएगी। फ़ोटो पर टैप करना है। मुंह पर टैप करना है। इस पर टैप करना है। आपको यहां से इसके साइज़ को कम कर देना है। बैक आना है। प्लस पर टैप करना है। मीडियम में टैप करना है। आपको यहाँ से PNG को सेलेक्ट करना है। व्हाइट PNG लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से आप यूज़ कर सकते हैं। PNG लेयर पर टैप करना है। मुंह पर टैप करना है। इस पर टैप करना है। आप यहाँ से इसके साइज को बढ़ा सकते हैं। बैक आना है। PNG लेयर पर टैप करना है। ब्लेंडिंग में टैप करना है। नीचे की साइड आना है। मास्क पर टैप करना है। आपको यहाँ से फर्स्ट ऑप्शन पर टैप करना है। बैक आना है। फ़ोटो पर टैप करना है। मुंह पर टैप करना है। आप यहाँ से फ़ोटो को सेंटर में कर सकते हैं। इस पर टैप करना है। आप यहां से इसके साइज को कम ज़्यादा कर सकते हैं। फोटो एंड PNG लेयर पर टैप करके होल्ड करना है। आपको सेकंड ऑप्शन देखने को मिलता है। इस पर टैप करना है। ग्रुप लेयर में एनिमेशन ऐड करने के लिए लेयर पर टैप करना है। मुंह पर टैप करना है। इस पर टैप करना है। स्टार्टिंग में आना है। स्टार्टिंग में प्लस देना है। एंड में आना है। एंड में प्लस देना है। सेंटर में प्लस देना है। स्टार्टिंग में आना है। स्टार्टिंग में आपको इसके साइज को कम कर देना है। एंड में आना है। एंड में आपको इसके साइज को बढ़ा देना है। स्टार्टिंग में आना है। स्टार्टिंग के सेंटर में आना है। कर्व पर टिक करना है। आपको इसको ऐसे कर देना है। थ्री डॉट पर टैप करना है। कॉपी कर्व पर टैप करना है। एंड में आना है। एंड के सेंटर में आना है। थ्री डॉट पर टैप करना है। पेस्ट कर्व कर देना है। एरो पर टैप करना है। बैक आना है। सॉन्ग को प्ले करके देख लेना है। देन आपको लिरिक्स के अकॉर्डिंग मार्क करना है। ग्रुप लेयर पर टैप करना है। टाइमर पर टैप करना है। आप यहां से इसकी ड्यूरेशन कम ज़्यादा कर सकते हैं। इस पर टैप करना है। आप यहां से इसे कट कर सकते हैं। लेयर पर टैप करना है। इफेक्ट पर टैप करना है। एड इफेक्ट पर टैप करना है। आपको नीचे की साइड आना है। इस पर टैप करना है। आपको यहाँ से इस इफेक्ट को सिलेक्ट करना है। स्टैंडर्ड सेटिंग कर देना है। इन पर टैप करना है। 0.30 कर देना है। इस पर टैप करना है। 0.40 कर देना है। बैक आना है। नेक्स्ट फोटो ऐड करने के लिए आपको ग्रुप पर टैप करना है। प्लस पर टैप करना है। डुप्लीकेट लेयर पर टैप करना है। कॉपी लेयर पर टैप करना है। होल्ड करके आपको इसको आगे की साइड कर देना है। लिरिक्स के अकॉर्डिंग लेयर पर टैप करना है। आप यहाँ से इसकी ड्यूरेशन कम ज़्यादा कर सकते हैं। ऐसे सेम स्टेप करनी है। आपको ऑल ग्रुप को क्रिएट कर लेना है। ग्रुप पर टैप करना है। प्लस पर टैप करना है। कॉपी लेयर पर टैप करना है। लिरिक्स के अकॉर्डिंग आपको इसको पेस्ट कर देना है। प्लस पर टैप करना है। पेस्ट लेयर पर टैप करना है। ऐसे ही सेम स्टेप करनी है। ऑल ग्रुप को पेस्ट कर देना है। फोटो चेंज करने के लिए आपको कॉपी ग्रुप पर टैप करना है। एडिट ग्रुप पर टैप करना है। फोटो पर टैप करना है। कलर एंड फिल पर टैप करना है। इस पर टैप करना है। आप यहां से फोटो सेलेक्ट कर सकते हैं। प्लस पर टैप करना है। बैक आना है। लेयर पर टैप करना है। आप यहां से इसके साइज को कम ज़्यादा कर सकते हैं। बैक आना है। न्यू प्रोजेक्ट पर टैप करना है। ऐसे ही सेम स्टेप करनी है। ऑल फोटो चेंज कर सकते हैं। ग्रुप पर टैप करना है। एडिट ग्रुप पर टैप करना है। फोटो पर टैप करना है। कलर एंड फिल पर टैप करना है। इस पर टैप करना है। आपको यहाँ से नेक्स्ट फोटो को सिलेक्ट करना है। फोटो को सिलेक्ट करना है। प्लस पर टैप करना है। बैक आना है। फोटो पर टैप करना है। आप यहां से इसके साइज को कम ज़्यादा कर सकते हैं। बैक आना है। न्यू प्रोजेक्ट पर टैप करना है। ऑल फोटो सिलेक्ट करने के बाद आप इसमें लिरिक्स एडिट कर सकते हैं।
सॉन्ग लिरिक्स लिखने के लिए आपको प्लस पर टाइप करना है, टेक्स्ट पर टाइप करना है, आप यहाँ पे लिरिक्स टाइप कर सकते हैं। कलर पर टाइप करना है, आपको यहाँ से कलर सेलेक्ट करना है, इस पर टाइप करना है, लिरिक्स को सेंटर में कर देना है। फॉन्ट पर टाइप करना है, आपको यहाँ से फॉन्ट सेलेक्ट करना है, इस पर टाइप करना है। फॉन्ट लिंक ऑल मटेरियल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से आप यूज़ कर सकते हैं। 18 PT पर टैप करना है, आप यहाँ से इसके साइज को बढ़ा सकते हैं, टिक कर देना है। लिरिक्स लेयर पर टैप करना है, मुंह पर टैप करना है, आप यहाँ से इसकी पोजीशन सेट कर सकते हैं, इस पर टैप करना है, आप यहाँ से इसके साइज को कम ज़्यादा कर सकते हैं, बैक आना है। लिरिक्स में इफेक्ट ऐड करने के लिए लेयर पर टैप करना है, इफेक्ट पर टैप करना है, ऐड इफेक्ट पर टैप करना है, लास्ट में जाना है टेक्स्ट पर टैप करना है, आपको यहाँ से इस इफेक्ट को सिलेक्ट करना है, स्टैंडर्ड सेटिंग कर देना है, लेटर पर टैप करना है, टू कर देना है, बैक आना है, ऐड इफेक्ट पर टैप करना है, लास्ट में आना है टेक्स्ट पर टैप करना है, आपको यहाँ से इस इफेक्ट को सिलेक्ट करना है, स्टैंडर्ड सेटिंग कर देना है, ओपन करना है, इस पर टैप करना है, स्टार्टिंग में आना है, स्टार्टिंग में प्लस देना है, एंड में आना है, एंड में प्लस देना है, एंड में 100 कर देना है। नीचे की साइड आना है, ट्रांसफॉर्म पर टैप करना है, लेटर पर टैप करना है, आपको यहाँ से वर्ड सेलेक्ट करना है। नीचे की साइड आना है, आपको यहाँ पे अल्फा का ऑप्शन देखने को मिलता है, इस पर टैप करना है, -1.0 कर देना है, बैक आना है। लिरिक्स लेयर पर टैप करना है, टाइमर पर टैप करना है, आप यहाँ से इसकी ड्यूरेशन कम ज़्यादा कर सकते हैं। सॉन्ग की नेक्स्ट लाइन लिखने के लिए लेयर पर टैप करना है, प्लस पर टैप करना है, कॉपी लेयर करना है, आप यहाँ पर लिरिक्स के अकॉर्डिंग पेस्ट कर सकते हैं। कॉपी लेयर पर टैप करना है, एडिट टेक्स्ट पर टैप करना है, आप यहाँ से सॉन्ग की नेक्स्ट लाइन चेंज कर सकते हैं, टिक कर देना है। लिरिक्स लेयर पर टैप करना है, आप यहाँ से इसका कलर चेंज कर सकते हैं, इस पर टैप करना है, डार्क कर देना है, प्लस पर टैप करना है, ऐसे ही आपको सेम स्टेप करनी है और लिरिक्स कंप्लीट कर सकते हैं। लिरिक्स लेयर पर टैप करना है, प्लस पर टैप करना है, कॉपी लेयर करना है, बैक आना है, ग्रुप पर टैप करना है, एडिट ग्रुप पर टैप करना है, प्लस पर टैप करना है, पेस्ट लेयर कर देना है, लेयर पर टैप करना है, टाइमर पर टैप करना है, आप यहाँ से इसकी ड्यूरेशन कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेयर पर टैप करना है, मुंह पर टैप करना है, आप यहाँ पे इसकी पोजीशन सेट कर सकते हैं, बैक आना है, न्यू प्रोजेक्ट पर टैप करना है, फर्स्ट लिरिक्स पर टैप करना है, इसको डिलीट कर देना है। ऐसे ही सेम स्टेप करनी है, लिरिक्स लेयर पर टैप करना है, प्लस पर टैप करना है, कॉपी लेयर करना है, ग्रुप पर टैप करना है, एडिट ग्रुप पर टैप करना है, स्टार्टिंग में आना है, प्लस पर टैप करना है, पेस्ट लेयर कर देना है, लिरिक्स लेयर पर टैप करना है, टाइमर पर टैप करना है, आपको यहाँ से इसकी ड्यूरेशन को कम कर देना है, लेयर पर टैप करना है, आप यहाँ से इसकी पोजिशन सेट कर सकते हैं, बैक आना है, न्यू प्रोजेक्ट पर टैप करना है, फर्स्ट लिरिक्स को डिलीट कर देना है। ऐसी सेम स्टेप करनी है, लेयर पर टैप करना है, प्लस पर टैप करना है, कॉपी लेयर करना है, ग्रुप पर टैप करना है, एडिट ग्रुप पर टैप करना है, स्टार्टिंग में आना है, प्लस पर टैप करना है, पेस्ट लेयर कर देना है, लिरिक्स ड्यूरेशन फोटो के बराबर कर देना है, बैक आना है, न्यू प्रोजेक्ट पर टैप करना है, फर्स्ट लिरिक्स को डिलीट कर देना है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं ऑल लिरिक्स कंप्लीट कर दिए, ऐसे आप कर सकते हैं। सेम स्टेप करनी है, फर्स्ट लिरिक्स को कॉपी करना है, ग्रुप में ऐड कर देना है। ग्लो इफेक्ट ऐड करने के लिए ट्यूटोरियल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से देखकर आप एडिट कर सकते हैं। वीडियो को सेव करने के लिए एरो पर टैप करना है, एक्सपोर्ट कर देना है।